मास है, 2 kg का मास है, मैंने एक स्प्रिंग इस तरह से लिया और उस पर रख दिया। अब क्या होगा, स्लो मोशन में विजुलाइज करो, स्लो मोशन में जैसे ही रखोगे स्प्रिंग स्लोली 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 कंप्रेस होगी, एक ऐसा समय आ जाएगा कि स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगी, उससे नीचे नहीं जा पाएगी यार। तो अब ये पूछ रहा है कि मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन मास डी अटैच फ्रॉम द पैन। तो जैसे ही रखोगे स्प्रिंग, मान लो यहाँ रखे थे और फाइनल कंप्रेशन का सिचुएशन मैं आपको यहाँ बना देता हूँ, ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गई है, अब इससे ज़्यादा स्प्रिंग कंप्रेस नहीं हो सकती, कैन नॉट कंप्रेस। तो यहाँ से चला था और ये, तो ये जो एक्स आया वो क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, दैट इज एम्पलीट्यूड। यहाँ से आप चले थे, यहाँ से आप एम्पलीट्यूड आ गया। अब ये कहता है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम एम्पलीट्यूड सो दैट मास डी अटैच, मतलब मास को हमें डी अटैच होना है तो एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। पहले मैं इक्विलिब्रियम मान के सॉल्व करता हूँ, जब उस पोजीशन के बारे में सोचो जब ये यहाँ पर है, उस वक्त कितना फोर्स लग रहा है उसके बारे में सोचना, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। यहाँ जब पार्टिकल यहाँ है तो इस पर स्प्रिंग का फोर्स के एक्स ऊपर लगा होगा, स्प्रिंग एक्स कंप्रेस हो गई, और ब्लॉक का एम जी नीचे लग रहा होगा। तो अभी मैं इक्विलिब्रियम मान के चल रहा हूँ, अब ये ब्लॉक यहाँ से डी अटैच तब होगा जब के एक्स ग्रेटर देन होगा एम जी से, तभी तो ऊपर उछलेगा यार। अगर इस पॉइंट पे एम जी और के एक्स आपस में इक्वल है और वैसे ही रहे तो ये हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाएगा, ऊपर जाएगा ही नहीं यार। ऊपर जाने के लिए के एक्स को एम जी से अधिक होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इक्विलिब्रियम मान के सॉल्व करोगे तो एम जी के एक्स के इक्वल आ जाएगा और एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू एम जी अपॉन के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मास है वो कितना है मेरे भाई, 2 kg, जी की वैल्यू 10 ले लो और के की वैल्यू दिया होगा 200 दिया है, तो के की वैल्यू 200, 2 ने 2 को, 10 ने 10 को, मतलब 0.1 meter, मतलब 10 cm। तो इक्विलिब्रियम के केस में आपको ब्लॉक x इक्वल टू 10 cm आ गया। अब जो के एक्स है डी अटैच होने का कंडीशन देखो, के एक्स अगर ग्रेटर होगा एम जी से तभी डी अटैच होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू अगर बढ़ेगी x इज इक्वल टू 10 पर तो के एक्स तो एम जी के इक्वल है यार, x इज इक्वल टू 10 पे के एक्स एम जी के इक्वल है, तो x की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 10, जिससे के एक्स अधिक हो और ब्लॉक ऊपर उछले, डी अटैच हो, मतलब ए ऑप्शन सही है।